मॉड्यूल 136 हंड्रेड थर्टी सिक्स ट्रीटमेंट ऑफ पी डी एस टी थ्रू ई एम डी आर सो ई एम डी आर जो है दैट इज़ स्टैंड फॉर आई मूवमेंट डी सेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। तो इस मैथड को एडल्ट के ऊपर पहले यूज़ किया गया एंड देन अब ये बहुत इफेक्टिवली बच्चों के ऊपर भी यूज़ हो रही है इसके एट फेजेज़ हैं एट फेजिज में हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं जिसमें नंबर वन जो है वो क्लाइंट हिस्ट्री है क्लाइंट हिस्ट्री के अंदर हम उसकी पूरी डिटेल लेते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था आ, कैसे हुआ था एंड देन हम ये भी देखते हैं कि जो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसकी फैमिली आ, लाइफ है उसके फ्रेंड्स हैं उसके स्कूल्स हैं जितनी भी उसकी हिस्ट्री है वो हम पूरी लेते हैं इसमें हम उसके नॉन वर्बल बिहेवियर्स के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कि किस लेवल के ऊपर उसका जो डिस्ट्रेस है और वो मौजूद है देन uh, प्रिपरेशन uh, की जाती है प्रिपरेशन के अंदर क्लाइंट को और उसकी फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि क्या uh, किया जाएगा ड्यूरिंग द थेरेपी और क्या प्रोसेस होगा ठीक है तो उस प्रोसेस को बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि दे शुड बी मेंटली रेडी वेदर दे वॉन्ट टू बी गेट दैट थेरेपी और नॉट देन वी विल मूव टू वर्ड्स द असेसमेंट जिसके अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है जिसमें हम डायरेक्ट असेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं यानी कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम इनडायरेक्ट असेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं दैन वी डू द फेज थ्री देन द फेज़ फोर डी सेंसिटाइजेशन इसके अंदर क्या होता है कि क्लाइंट को हम बाइलेट्रल स्टिमुलेशन देते हैं ठीक है जिसके अंदर उसके सामने हम दो आ, जो आपके फिंगर्स हैं उनको मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट और उस दौरान उसे कहते हैं कि जो भी डिस्टर्बिंग मेमोरी है वो उसको रिकॉल करें और जब वो उसको बार बार रिकॉल करता है यहाँ तक कि वो उसको रिकॉल करने से उसकी एंगजाइटी जो है वो ख़त्म हो जाती है ठीक है तो डी का प्रोसेस जो है वो फेस फोर में होता है और उस डिसटाइजेशन के प्रोसेस में जो भी कोपिंग स्टेटमेंट वो डेवलप करता है अपने लिए लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे को बचपन में फ़िज़िकल असोल्ट किया गया और वो उस वक्त Uh, जो है वो इतना पावरफुल नहीं था और जब वो डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस से गुजरा तो फिर उसने अपने आप को ये स्टेटमेंट दी कि ठीक है उस वक्त मैं छोटा था बट नाउ आई एम एडल्ट एंड आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरी तो ये जो स्टेटमेंट है ये हम उसके अंदर इंस्टॉल कराते हैं देन द बॉडी स्कैन फेस बॉडी स्कैन फेस के अंदर क्या किया जाता है कि सर्टेन टाइम इंस्टॉलेशन के बाद भी बॉडी uh, के अंदर कहीं ना कहीं इन्जाइटी या टेंशन रहती है तो उस एनजाइटी या टेंशन को फोकस में लाया जाता है ताकि उस चीज़ के ऊपर वर्क करके तो उसको हम ख़त्म करें दैन द क्लोयर फेस जो है वो डेवलप किया जाता है कि जब उसकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है और वो बंदा अपनी बॉडी के अंदर या वो बच्चा जो है अपनी बॉडी के अंदर कहीं पे भी टेंशन फील ना करा और एंड में उसकी री की जाती है कि आयदर के जो उसकी प्रॉब्लमेटिक मेमोरी थी या जो Uh, भी चीज़ वो अपने जहन के अंदर बार-बार रिकॉल कर रहा था आई द चाइल्ड इज गेट फ्री ऑफ दैट सिम्टम और नॉट थैंक यू